गाइस अब चिकन पकने के लिए तैयार है। देखिए आप, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज काफ़ी मौसम खिला खिला सा है, चारों तरफ धूप ही धूप, बहुत ही अच्छा मौसम। और आज हम मौली को नहलाएंगे क्योंकि बहुत दिन से बेचारे को स्नान नहीं कराया ठंड की वजह से, और अभी पानी पी रहा है। चलो जल्दी तैयारी करो इसको नहलाने की। मौली, हेलो फ्रेंड्स, आज विवेक भैया मौली को नहाएंगे। मौली बहुत गंदा हो गया है तो आज मौली हमारा नहाएगा। वो नहाने के लिए बेचैन है, उसे नहाना बहुत अच्छा लगता है, तो देखते हैं आज कैसे नहाएगा मौली और भैया कैसे नहाएंगे। मौली को नहलाने के लिए हम ये शैम्पू यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप भी इसे अपने डॉग के लिए यूज कर सकते हैं, ये एंटी फंगल है। यस, और आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। और इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं बताऊंगा आगे, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया कैसे मौली को नहाएंगे। और तो देखिए महान स्टार्ट हो गया है, मौली नहाता है तो उसे बहुत खुश होता है क्योंकि मैं नहा रहा हूँ, किसी रोज नहाने मिलता है नहीं है, इसलिए मैं। अब देखिए मौली कितना खुश हो रहा है, आप इसकी खुशी देख सकते हैं, कितना भाग भाग के खुश हो रहा है। विवेक भैया को नल तोड़ देगा क्योंकि नल पूरा उसमें दीवारों गड़ा नहीं है, बहुत खुश होता है ये। तो भैया देख सकते हैं कैसे नहा रहे हैं इसे, तो हम अपना थोड़ा जूम करके दोस्तों अब शैम्पू कैसे यूज करते हैं विवेक बताएंगे। शैम्पू को पहले ले लीजिए किसी मग में या किसी भी कंटेनर में, और लगभग कम से कम 25 ml ले लीजिए। और उसके बाद उसमें वाटर मिला दीजिए, इससे डाइल्यूशन हो जाता है और मौली की स्किन बहुत सॉफ्ट भी रहती है इससे। अब इसे आराम से अपने डॉग पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए। इधर आ जाओ, आराम आराम से इसके, ये भागता है शैम्पू से क्योंकि उसे पसंद नहीं है इसका ये अपना शैम्पू। तो भैया कैसे मल मल के नहा रहे हैं, लेकिन मौली भैया की मेहनत समझता ही नहीं है, क्या कर रहे हो मौली। और देख सकते हैं आप, पी रहा है पानी, लेकिन इसने पानी बर्बाद करने की बहुत अच्छी आदत है। पी ले मौली, और देखिए दोस्तों कैसे कर रहा है ये, देखिए देखिए ये मारने की है। अब देखिए ऐसे पीता है ये पानी, आप देख सकते हैं। मौली का स्नान तो पूरा हो गया, अब मेरे को भी नहाना था, बट मेरे को अब बाल कटाना है, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और थोड़ी सी दाढ़ी भी ट्रिम करवानी है, तो जाऊंगा बाल कटवाने, बट दुकान जाऊंगा पहले, उसके बाद जाऊंगा। मैं दुकान आ गया था तो देखिए पीछे से गुलशन और लल्ली भी आ गए और आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। उतनी दूर से कैसे आ गए तुम लोग? अरे मैं ठान लिया था कि हम आएंगे तो आएंगे क्योंकि हम बहुत बार खो चुके थे। अरे उतनी दूर से कैसे आ गया? तो हम आ गए, उसमें क्या है, हम रास्ता याद, जब दीदी के साथ आए थे तो हमने रास्ता पूरा, तुम्हारा पैर दर्द नहीं किया लली? पैर दर्द किया, मैंने कहा कि थोड़ा हौसला रखो चलते जाओ, तो हम चलते गए पहुँच गए। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दोनों उतना दूर से कैसे आ गए। आ गए तो आ गए, हम मम्मी डांटेंगी तो पता चलेगा। अरे मम्मी को बताएंगे तो पता क्या चलेगा, तेरी की मम्मी को भी नहीं बताया, चलना मेरे साथ चलना तुम लोग दोनों। गाइस आज हम चिकन बनाने जा रहे हैं, वो भी एकदम बैचलर स्टाइल में, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सुविधा उपलब्ध है नहीं, तो कोशिश करेंगे कि अच्छा बनाए। अब देखिए कैसा बनता है, जा रहे हैं चिकन लाने के लिए। चिकन ले आए हैं हम लोग, अब चिकन बना रहे हैं, एकदम मिक्स कर कर एक साथ ही बना देंगे सब कुछ, तेल मिला देंगे। गाइस चिकन तो मिक्स करके रख दिए हैं, अब बस पकाना बाकी है। देखिए कुकर में मिक्स करके रख दिए हैं, ये देखिए अब इसको भूंज कर बनाना बाकी है, अब मस्त बनना चाहिए एकदम। गाइस अब चिकन पकने के लिए तैयार है, देखिए आप, बहुत ही यम्मी लग रहा है, जैसे तैसे करके हम चिकन आज बना ही लेंगे। सलाद भी रेडी है, काट कर एकदम मस्त तो दिख रहा है। गाइस चिकन तो बन गया, बट चिकन बनते बनते लास्ट में अचानक से कुकर ही ब्लास्ट कर गया, सारा ग्रेवी नीचे, और हमारा इंडक्शन भी ख़राब हो गया। अब चावल कैसे बनेगा कुछ पता नहीं, चिकन तो जैसे तैसे फिर भी हमने बना लिया, लेकिन अब चावल का टेंशन हो रहा है बने या कैसे।
तो गाइस बगल से चावल बनकर आ गया है, आशीष बनवा कर ले। देखिए जैसे तैसे चावल तो बन गया, फाइनली चावल बन गया। कितना मेहनत से बना, बहुत मेहनत लग गया क्योंकि इंडक्शन भी खराब हो गया, लगभग कुकर भी ब्लास्ट कर गया, सारा ग्रेवी भी गिर गया, थोड़ा मोड़ा ग्रेवी बच गया है, फिर भी इसी में काम चला लेंगे, क्या करेंगे क्या। अब मैं नहीं खोलूंगा उसको, मेरे को ऐसे ही डर लग रहा है। आपको तो बनाने आता नहीं कुकर में खाना, आज तक मैं बनाया ही नहीं कुकर में। ऐसे आप कितना भी कढ़ाई में बनवा लीजिए, हम बना देंगे। चिकन विकन खा के एकदम टनाटन हो गए हम लोग, अब कुछ काम भी कर लिया जाए, सुबह से इसी में बिजी रह गए। अब देखिए गाइस, दुकान का काम भी ख़त्म हो गया, सारा कुछ हो गया, अब बहुत ही ज़्यादा लेट भी हो रहा है, तो निकलते हैं घर और मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये तो सभी बोलते हैं इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अब देखते हैं भैया मौजूद थोड़ा पानी डाला है, अभी 2 मिनट तो भैया।